हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन को चला रहे होंगे और इस सेशन में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि अक्टूबर मंथ से है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग मुझे देख पा रहे सुन पा रहे थम्स अप बनता है इन द कमेंट सेक्शन और साथ में इस फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। बहुत ही फटाफट हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है रिसेंटली एडयूर चिली हैज बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग दिया गया है। ये टैग इस चिल्ली को जो दिया गया है कौन से स्टेट से ये टैग दिया गया है, कौन से स्टेट को दिया गया है और ये चिल्ली कौन से स्टेट से बिलोंग करती है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ओके, तो आई कैन सी पृथ्वीराज, विनय कैसे हो आप, हेलो कैसे चल रही है आपकी तैयारी। सो आंसर्स भी आने लगे हैं। विनय कह रहे हैं फर्स्ट का आंसर सी है, सूर्यांश का आंसर सी है, पृथ्वीराज 1A कह रहे, भावना सी कह रहे, हेलो भावना, आरती, सूर्यांश, विनय कैसे हो आप सब। तो सी सभी का आंसर है यहाँ पर एक्सेप्ट पृथ्वीराज, इन्होंने ए कहा है। तो देखते हैं सही जवाब क्या है। यहाँ पर सही जवाब है केरला और यही कंफ्यूजन हमें मोस्टली होती है केरला और तमिलनाडु में। सही जवाब केरला है गाइस, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाय गुड मॉर्निंग भावना, पृथ्वीराज। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक सबसे पहले सही जवाब इसका दिया है विनय ने और इसके साथ विनय ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है आज के हमारे सेशन की। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया द एथ एडिशन ऑफ मित्र शक्ति एक्सरसाइज अक्टूबर में किया गया था। ये एक्सरसाइज इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज के बीच में किया जाता है, इज इट बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या म्यांमार। ये तो आपको पता होना चाहिए, ऑल्दो ये करंट इवेंट है लेकिन ये कई सालों से एक्सरसाइज किया जा रहा है तो इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको पता होना चाहिए। हाय आरती, गुड मॉर्निंग। सूर्यांश का आंसर आ गया यहाँ पर सी कह रहे हैं, विनय का आंसर बी है, देखते हैं कौन से ही बता रहा है। यहाँ पर पृथ्वीराज बी कह रहे हैं, अक्षय कैसे हो अक्षय, इनका आंसर बी है, आरती का आंसर बी है, भावना बी। ओके, मोस्टली सबकी का आंसर बी है और फटाफट से बाकी लोग भी जुड़ते जाइए और जो भी सेशन को देख रहे हैं प्लीज ट्राई करिए इस क्वेश्चन को आंसर करने का, क्योंकि जब आप आंसर करोगे पार्टिसिपेट करोगे तभी अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को गेज कर सकते हो। और ये सारे ऐसे करंट अफेयर से कई सारे सेशन में हम ऑलरेडी अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में डिस्कस कर चुके हैं तो आपको अब तक ये करंट अफेयर याद हो जाने चाहिए। यहाँ पर मोस्टली सभी का आंसर बी है। सुशांत कैसे हो, शिवानी हाउ आर यू, प्रवीणा कैसे हो आप। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है श्रीलंकन, श्रीलंका इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका के नेवल, एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवीज के बीच में किया जाता है और इस वजह से हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा श्रीलंका। एंड आई थिंक सबसे पहले सही जवाब अगेन विनय ने दिया है। कोई है जो विनय को मात दे सकता है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, अगेन द सेम थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, नोबेल प्राइज एग्जाम में अगेन एंड अगेन पूछा जाता है अलग अलग तरीके से और आजकल हम देख रहे हैं कि लिस्ट टाइप क्वेश्चन इसमें से आ रहा है और यहाँ पर मैच करने की कोशिश करनी है आपको। 2021 के नोबेल प्राइज विनर्स के नाम यहाँ पर है और यहाँ पर फील्ड दिए गए हैं ऑन द राइट हैंड साइड, तो आपको इन दोनों को मैच करना है फटाफट से। जैसे ही आप एक मैच यहाँ पर अच्छे से पकड़ ले रहे हो सेकंड वन देखिए और उस हिसाब से आपको लिस्ट टाइप क्वेश्चंस को आंसर करना है। हेलो अंकु, मानसी कैसे हो आप, आई होप आज आपका जोश बहुत ही अच्छे लेवल पर है और फटाफट से आप आंसर करोगे इन क्वेश्चंस को। ये तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, अब्दुल रजाक गुरना, इनको कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, डेविड जूलियस आर्डन पाटोपोटिन इनको कौन से फील्ड में मिला है, मरिया मिटीरी इनको कौन से फील्ड में, और सुयुकुरो क्लॉस और गियोर्गो, सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग प्रॉपरली बट ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। निशान का सबसे पहले यहाँ पर आंसर आया सी कह रहे, भावना सी, आरती का सी है, अक्षय सी, सूर्यांश, मानसी, शिवानी, अंकु, पृथ्वीराज सभी का आंसर सी है। तो ये आई थिंक बहुत ही बढ़िया तरीके से आप प्रिपेयर किए हुए। यहाँ पर अब्दुल रजाक गुन्ना इनका नाम जुड़ता है लिटरेचर के साथ, डेविड जूलियस आर्डम
इनको जो है मेडिसिन के साथ, मेडिसिन में इन्हें ये मिला हुआ है, और मरिया का नाम जब भी आप देखोगे ये आपको याद होना चाहिए कि इन्हें पीस प्राइज मिला था, राइट। और इसके साथ में ये लास्ट वाले जो नाम है तीन, इनको फिजिक्स में मिला था। तो ए इज मैच टू टू वी कैन से, और यहाँ पर एक ऑप्शन खाली आपका एलिमिनेट हो रहा है, सेकंड वन देखिए ये हम मैच कर रहे हैं फोर को, बी फोर कहाँ पर मैच हो रहा है सी में, सो हमारा सही जवाब होगा सी, राइट। तो ये आपको याद रखना है, कुछ नाम कुछ ट्रिक्स आपको याद रखने, जैसे मरिया जो है ये आप याद रख सकते हो कि पीस प्राइस से रिलेटेड है, अब्दुल गुरना इनको याद रख सकते हो लिटरेचर से रिलेटेड है, राइट। तो इस तरीके से हमें इसका जवाब देना है। एंड अगेन थर्ड का आई कैन सी सुशांत ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया सुशांत, बहुत बढ़िया शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ पर। और भूलिएगा मत अपने स्कोर को, आपको कैलकुलेट करते रहना, समथिंग विच वी कैनॉट मेजर वो हम सही तरीके से उसको कैलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको मेजर करते रहना है कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो। 50 कंप्लीट क्वेश्चंस होंगे, उनमें उनको जो है आप आंसर करोगे, आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एट द एंड ऑफ द सेशन आपको बताना है। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पूछा जा रहा है सस्टेनेबल रिकवरी प्लान इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का इनिशिएटिव है ये, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021। तो ये चीज बनती है, लॉन्च ईयर कई बार पूछा जाता है, इस वजह से अच्छे से ये भी हमें याद होना चाहिए। तो फटाफट से इसका जवाब देने की कोशिश करिए, फोर्थ के आंसर्स एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। अगर आपको दोनों ही सही लग रहे हैं स्टेटमेंट तो ए जवाब दोगे, दोनों ही आपको गलत लग रहे हैं तो बी दोगे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, तो आपका आंसर सी होगा, 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, तो डी होगा। ओके, फोर्थ के आंसर्स आने लगे हैं यहाँ पर। फोर्थ का मानसी सी कह रहे हैं, विनय का आंसर सी है, सुशांत सी कह रहे हैं, राजेंद्र कैसे हो राजेंद्र, राजेंद्र का आंसर सी है, भावना डी कह रहे हैं। देखते हैं और भी कोई इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स अवेटेड है दोस्तों। ओके, देखते हैं सुशांत। तो यहाँ पर सस्टेनेबल रिकवरी प्लान इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ UNFCCC, बहुत बढ़िया, ये एग्जैक्टली सही है। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2021, ये चीज सही नहीं है, बिकॉज जैसा कि सुशांत ने बताया है अभी, दिस वॉज लॉन्च इन द ईयर 2020, ठीक है, ये चीज आप याद रख सकते हो बहुत ही अच्छे सुशांत, 2020 में ये लॉन्च किया गया था। ओके, नो भावना, UNFCCC का ये इनिशिएटिव है, राइट। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, तो हमारा सही जवाब होगा सी। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज ने स्किप किया है, अक्षय ने स्किप किया है, बहुत ही बढ़िया, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो मैं नहीं आता स्किप करना बेस्ट चीज होती है, और सी जवाब है यहाँ पर सबसे पहले। आई थिंक मानसी ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया मानसी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, बहुत बार 100 बार हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए मुझे इन द कमेंट सेक्शन, और गलत आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, अगेन एंड अगेन हम जो चीज डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कौन है इनमें से, राइट। तो जल्दी जल्दी आपके आंसर एक्सपेक्टेड है, विनय का आंसर बी है, फुमियो किशिदा कह रहे हैं, मानसी बी, सुशांत बी, पृथ्वीराज, अंकु, अक्षय, भावना, राजेंद्र, आरती, शिवानी, आकर्षित, सूर्यांश, हेलो आकर्षित कैसे हो, नरेंद्र कैसे हो आप, तरुण का भी आंसर भी है, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से पार्टिसिपेशन चाहिए, इजी क्वेश्चन, इसको तो हम गलत करेंगे ही नहीं, एडोटैप ने हजार बार हमें ये सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, राइट। तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड आई थिंक सबसे पहले अगेन विनय ने जवाब दिया है, तो ये स्पीड एंड एक्यूरेसी का जो कॉम्बिनेशन विनय लेकर आ रहे हैं वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। अगेन ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, MDPI के इंडिकेटर्स पूछे गए हैं, ये जो है रिलीज हुई थी रिसेंटली, इसमें है हाउसिंग, चाइल्ड नेटालिटी, न्यूट्रिशन, स्कूल अटेंडेंस, थोड़ा सा डिफिकल्ट बट आपको जो है इसका जवाब आना चाहिए। यस, सक्सीडेड, ही सक्सीडेड शिंजो आबे, ये चीज हम जानते हैं, बहुत बढ़िया मानसी, राइट, तो ही सक्सीडेड शिंजो आबे, ये चीज हम जानते हैं। ओके नरेंद्र, गुड, फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सुशांत का आंसर यहाँ पर डी आ रहा है,
विनय डी कह रहे हैं, हरक्षित ए कह रहे हैं, रजिंदर का आंसर डी है, अक्षय, आरती, शिवानी, अंकु का आंसर डी है, विवेक ए कह रहे हैं, मानसी का आंसर डी है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। यहाँ पर हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड स्कूल अटेंडेंस तो सही है, ये चाइल्ड नेटालिटी नहीं होगा। अगर किसी को पता है कि सही क्या होगा यहाँ पर फटाफट से बता दीजिए। द करेक्ट आंसर हियर इज 1, 3 and 4 एंड डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक डी सबसे पहले सही जवाब यहाँ पर दिया है सुशांत ने। अगेन सुशांत ने यहाँ पर इस क्वेश्चन में बाजी मारी। फटाफट से अगर आप लोग मुझे बता सकते हैं ये चाइल्ड नेटालिटी के बदले क्या होगा। ओके, तो दिस इज एक्चुअली चाइल्ड मोर्टैलिटी, ठीक है, नेटालिटी नहीं है, मोर्टैलिटी है। और यहाँ सही जवाब हमारा है 1, 3 and 4 ओनली। बहुत बढ़िया सुशांत, पृथ्वीराज सही कह रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज कम कल्चरल सेंटर ये इनॉग्रेट किया गया है कहां पर। ओके, ऑप्शंस हमारे हैं शिलोंग, ईटानगर, गुवाहाटी या फिर कोलकाता। फटाफट इसका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया राजेंद्र, भावना यस, मानसी मोर्टैलिटी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज कम कल्चरल सेंटर। एक चीज तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली, बट नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज है, जो सिटीज है, उनके ही नाम यहाँ पर दिए गए हैं कंफ्यूज करने के लिए ऑब्वियसली। थोड़ा सा कोलकाता को जो है हम स्लाइटली एलिमिनेट करने का सोच सकते हैं, बट यहाँ पर आंसर्स आने लगे हैं। सुशांत सी कह रहे हैं, भावना का आंसर सी है, मानसी सी, अभिषेक का आंसर गुवाहाटी है, हेलो अभिषेक, अक्षय सी कह रहे, राजेंद्र, विनय, आरती, पृथ्वीराज। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुवाहाटी इज द राइट आंसर। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, या तो हमें आता है या तो नहीं आता है। अगेन 7th क्वेश्चन में बाजी मारी है सुशांत ने। बहुत बढ़िया सुशांत, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द प्रिजन सिस्टम। तो उनके प्रिजन सिस्टम में बहुत ज्यादा इश्यूज आ गए थे एंड इसके वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिजन सिस्टम इन्होंने डिक्लेयर किया है। ओके, ये सूर्यांश सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। फटाफट से इसका जवाब दीजिए, क्योंकि कई बार इस तरह के चीजें जो ट्रेजेडीज होते हैं और ऐसे जो नए चीजें लेकर आते हैं डिफरेंट कंट्रीज, उनसे रिलेटेड न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, राइट। प्रेजेंट सिस्टम में इमरजेंसी कहां पर डिक्लेयर की गई है। 8th के आंसर्स भी आने लगे हैं। 8th का आंसर सुशांत ने अगेन सबसे पहले दिया है, डी कह रहे हैं, हेलो अभिषेक, मानसी का डी है, पृथ्वीराज डी, आरती, अक्षय, अनु, अनु कैसे हो, राजेंद्र का आंसर डी है एंड अंकु यस इक्वाडोर। ओके पृथ्वीराज ये भी बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली 1500 पीपल डाइड, राइट। ओके, सो इक्वाडोर जो है ये यहाँ पर सही जवाब है। प्रिजन सिस्टम में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इक्वाडोर नाम के इस कंट्री में, राइट। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। आई थिंक अगेन सबसे पहले सुशांत ने जवाब दिया है, तो परमानेंटली मैं एनी का नाम लिख देता हूँ। फटाफट से आप लोग भी ट्राई करिए टू आंसर दिस क्वेश्चंस। थोड़ा सा स्पीड भी हमें रखना है, बिकॉज एग्जाम में भी हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने होंगे। ओके, एक ऑप्टिमम हमें बनाकर रखना है स्पीड एंड एक्यूरेसी का, और यही चीज हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट जो हमें इन सेशंस में मिलता है वो बहुत ही अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। यहाँ देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक 2021। थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट यहाँ आप थोड़ा कंटेम्पररी इश्यूज से भी रिलेट कर सकते हैं, बट वो हमारा गेस करने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एग्जैक्टली अगर पता है तभी सही होगा। वुमेन इन स्पेस, स्पेस टूरिज्म, स्पेस फॉर मैनकाइंड, हिस्ट्री ऑफ स्पेस एंड वे अहेड, राइट। तो इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। 9th के आंसर्स आने लगे हैं। पृथ्वीराज सी कह रहे, अक्षय का आंसर ए है, विनय ए, अनु ने रिट्रैक्ट किया, राजेंद्र सी कह रहे, ए एंड सी में यहाँ पर थोड़ी फाइट हो रही है, देखते हैं क्या सही। भावना का आंसर वुमेन इन स्पेस है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, जिन्होंने भी ए जवाब दिया है द करेक्ट आंसर इज वुमेन इन स्पेस। ये पोस्टर देख कर आपको याद रहेगा जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वुमेन का ऑन द ग्राउंड इन स्पेस एज एन एस्ट्रोनॉट, सभी को सराहते हुए यहाँ पर ये जो वर्ल्ड स्पेस वीक है उसमें वुमेन इन स्पेस इनका थीम था, राइट। तो ये पोस्टर आपको हमेशा याद रहेगा, और ये चीज अगर एग्जाम में आएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आंसर करोगे। जैसे यहाँ पर अक्षय ने सही जवाब दिया है सबसे पहले, बहुत बढ़िया अक्षय, आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, जो डे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। यहाँ देखिए, वर्ल्ड एनिमल डे वाज सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया गया था, अक्टूबर 4, 10, 5 या 8। थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट अगर हमें पता है
तब हम इसे आंसर कर सकते हैं। टेंथ के आंसर आने लगे, अनु ने फटाफट से आंसर किया है। टेंथ का अनु ए कह रहे हैं, देखते हैं और भी कोई का जवाब दे रहा है। नरेंद्र सी कह रहे हैं। नरेंद्र कौन से क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे हो? आई होप टेंथ को आप आंसर कर रहे हो। सूर्यांश नाइन्थ का ए कह रहे हैं, ओके। पृथ्वीराज का ए है। मानसी, अभिषेक, अंकु, विवेक, अनु, वीरेन, राजेंद्र, आरती, अक्षय, भावना, सभी का ए है। अंकु कह रहे 4th अक्टूबर, ओके। तो 4th इज एब्सोल्युटली करेक्ट और इस बार आई थिंक बाजी मारी है अनु ने। 10th का आंसर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया अनु। 11th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट समिट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये समिट इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में किया गया था? समिट्स, एग्रीमेंट्स और इस तरह के जो मीटिंग्स होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वी शुड बी नोइंग दैट। इंडिया और यूएसए के बीच में, यूएई के बीच में, यूके या फिर रशिया, क्या यहाँ पर सही जवाब है? अगेन लाइक मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, या तो हमें आता है या तो नहीं, तो सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। 11th के आंसर्स आने लगे हैं, इसी वजह से करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन एंड अगेन रिवाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत बार हमें सही से पता नहीं होता, पर हमें चीजें याद रखनी पड़ती हैं, फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। इस तरह के सेशंस रिवीजन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो आपके फ्रेंड्स को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर्स आने लगे हैं। अक्षय का ए है, अभिषेक डी कह रहे हैं, मानसी, राजेंद्र का ए है, सुशांत यूएस कह रहे, विवेक ए, अनु ए, पृथ्वीराज का भी आंसर ए है। बाकी लोग भी प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट और यहाँ पर जो आंसर है वो देने की कोशिश करिए। भावना का आंसर यूएसए है, यूएसए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट रिसेंटली इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था, काफी ये न्यूज में भी था। 11th का आई थिंक सही जवाब इस बार अक्षय ने दिया है सबसे पहले, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया अक्षय, अगेन ये भी हमने कई बार कई फॉर्मेट में हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, सही जवाब ही एक्सपेक्टेड है, फटाफट से आप भी पढ़िए। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ अ वीवर सर्विसेज एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर। दिस सेंटर इज अबाउट टू बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इज इट इन आरती का ए, विनय ए, मानसी? यस, मोस्टली सभी का कुल्लू है। आई होप अभी ये क्लियर है, प्लीज लेट मी नो। यस, मोस्टली सभी का आंसर ए है एंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। कुल्लू में ये जो वीवर सर्विसेज एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर है ये यहां पर आ रहा है, ओके। यस, अभी ठीक है। यस आरती, थैंक यू सो मच, प्लीज लेट मी नो अभी ठीक है ना। यस, स्लाइट इंटरनेट का इश्यू था, ओके फाइन। तो कुल्लू यहाँ पर सही है और आई थिंक सबसे पहले यहाँ सही जवाब दिया है हमारे पृथ्वीराज ने। पृथ्वीराज बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ वाजपेयी द इयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, राइट? तो इसके ऑथर कौन है? एस एस साधु है, यहाँ राजनाथ सिंह है, जसवंत सिंह है या फिर शक्ति सिन्हा है? क्या आपको सही लगता है? फटाफट से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया विवेक, थैंक यू। भावना, मानसी, थैंक यू सो मच, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आई थिंक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 13 के आंसर्स आने लगे। सबसे पहले विवेक का आया है, डी कह रहे हैं, विनय ने स्किप किया है, अक्षय स्किप कर रहे हैं, मानसी डी कह रहे हैं, देखते हैं और भी कोई इसका जवाब दे रहा है। ये है वाजपेयी द इयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, इस तरह से बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं दोस्तों, और ये बुक भी कई बार अलग अलग फॉर्मेट में हम डिस्कस कर चुके हैं, यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस। यहाँ आंसर्स मोस्टली सभी के डी हैं, अनु डी कह रहे, भावना, अंकु, पृथ्वीराज, आरती, अभिषेक, सभी का आंसर डी है, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। शक्ति सिन्हा इसका सही जवाब है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और अगर हमें नहीं पता है विनय और अक्षय की तरह हम भी स्किप करेंगे, और आई थिंक इस बार विवेक ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया विवेक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। इंडियन नेवी इन कोलैबोरेशन विद अ मेजर इंडियन बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नव ई कैश कार्ड। दिस कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, ठीक है? नव ई कैश कार्ड ये लॉन्च किया गया है, और ये कौन से बैंक के कोलैबोरेशन के साथ इंडियन नेवी इस कार्ड को लॉन्च कर रही है? पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंडस लैंड बैंक? ओके, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। विनय का सबसे पहले आंसर आ गया है ए,
सुशांत एसबीआई कह रहे हैं, पृथ्वीराज क्वेश्चन मार्क के साथ बी कह रहे हैं, अनु का सी है, भावना ए, अंकु एसबीआई सी कह रहे हैं, विवेक का एसबीआई है, अभिषेक 14th का एसबीआई कह रहे हैं। तो देखते सही जवाब क्या है, यहाँ पर सही जवाब है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये कार्ड इंडियन नेवी इन कोलैबोरेशन विद दिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने लॉन्च किया है, और यहाँ पर आई थिंक सबसे पहले सही जवाब दिया है अगेन सुशांत ने, बहुत बढ़िया, और एसबीआई इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डीप चले जाते हैं तो इस वजह से हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए, अगर इंडिया और किसी और कंट्री से यहाँ पर रिलेशन हमारा बैठ रहा है। इसकी पीडीएफ विशाल डेफिनेटली आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप जो है इसकी पीडीएफ ले सकते हो, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एडोटैब एचपीएस का टेलीग्राम चैनल, राइट गाइस। 15 क्वेश्चन यहाँ पर है, आयुर्वेदा का एमओयू इंडिया के साथ किसने साइन किया है, जापान, ताइवान, नेपाल या क्रोएशिया। इसके आंसर्स ऑलरेडी आने लगे हैं, बहुत तेज हो गया आप लोग, बहुत बढ़िया। विनय का आंसर डी है, पृथ्वीराज डी, अभिषेक क्रोएशिया कह रहे, मानसी, आरती, अनु का आंसर डी है, नरेंद्र सी कह रहे हैं, भावना का आंसर डी है, निर्मा कैसे हो निर्मा, निर्मा का आंसर डी है। ओके, यहाँ पर सही जवाब डी है, क्रोएशिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिया और क्रोएशिया आयुर्वेद से रिलेटेड इनके बीच में एक एमओयू हुई है, आगे और भी इनिशिएटिव लाने से रिलेटेड, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर क्रोएशिया में लाए गए। यस, क्रोएशिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 15 का आंसर डी यहाँ पर सही है, विनय ने सही जवाब दिया है इसका, ये जो है बहुत बढ़िया विनय। 16th क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स एंड कलाकुरिची वुड कार्विंग्स हैव रिसीव्ड जीआई टैग्स, और ये जीआई टैग कौन से स्टेट को दिया गया। इस क्वेश्चन को आंसर करने के साथ हम एक और लर्निंग लेंगे और आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट से पहले इस क्वेश्चन को आंसर करिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इसको आपको आंसर करना है। ये दो चीजें हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है और कौन से स्टेट को दिया गया है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। ओके नाइस निर्मा, ओके 16 का आंसर आने लगे हैं। सबसे पहले सूर्यांश ने जवाब दिया है डी कह रहे हैं, तमिलनाडु। एसआर कैसे हो सर, इनका आंसर डी है, अनु का डी है, अभिषेक तमिलनाडु, यस, भावना, विवेक, मानसी, पृथ्वीराज, सुशांत, नरेंद्र, दिनमा, सभी का आंसर डी है, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो कलमकारी आर्ट है ये कौन से स्टेट को जो है कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कलमकारी आर्ट सिर्फ अगर हम बात करें तो वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग बता पाए दैट वुड बी रियली ग्रेट। ओके अभिषेक एक और इन्फॉर्मेशन दे रहे, कन्याकुमारी क्लोव जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अभिषेक। और आई थिंक पिछले क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे सही जवाब दिया है 16th का सूर्यांश ने, बहुत बढ़िया सूर्यांश, इसी तरीके से सभी को टक्कर देना है आपको, और एग्जाम में भी ये कंपटीशन रहेगा तो वही स्पिरिट यहाँ पर हमें लेकर आना, बहुत बढ़िया नरेंद्र, नरेंद्र का सबसे पहले सही जवाब आया है, जो कलमकारी है वो रिलेटेड है टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना ऑप्शंस में, अगर आंध्र प्रदेश है कंफ्यूज नहीं होना है, उसके सामने जो हमने पढ़ा था वो होना चाहिए, आंध्र प्रदेश यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल इसे कहाँ पर रिसेंटली जो है कौन से सिटीज में इनॉग्रेट किया गया है वो पूछा जा रहा है। यस सर गुड, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ 17th के आंसर आने लगे हैं, विवेक का आंसर डी है, सुशांत डी कह रहे, मानसी, भावना, अनु, विनय, अभिषेक, सभी का आंसर डी है, तो ये चीज काफी न्यूज में थी हमें पता होना चाहिए। आरती का आंसर, अभिषेक, पृथ्वीराज, सभी का डी है, तो विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर। ओके, विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, कोस्टल सिटी, एंड ये हमें पता होना चाहिए। हेलो भरत, कैसे हो आप, थोड़ा सा लेट हो गए। ओके, आगे का सेशन जरूर अटेंड करना। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, 17 का आई थिंक सबसे पहले सही जवाब किसने दिया है, विवेक का सबसे पहले सही जवाब आया है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स हैज बीन कॉन्फर्ड विद द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, नाम आपको दिए हुए हैं, प्रमोद काले, सुब्रया अरुणन, कतुरु नारायण, रणदीप गुलेरिया। तो 18 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, यहाँ पर 18th के आंसर्स आने लगे हैं। निर्मा आप 18th का आंसर कर रहे हो, आई थिंक डी कह रहे हो, प्लीज नंबर्स के साथ आंसर करो ताकि मुझे पता चल सके। सुशांत का डी है, विनय डी कह रहे हैं, आरती, अनु का डी है, विनय, रणदीप कह रहे हैं, पृथ्वीराज, विवेक,
डी कह रहे हैं अभिषेक ने स्किप किया है, रियली गुड। अगर आपको पता नहीं है स्किप करना इज द बेस्ट थिंग, राइट। तो क्योंकि फैक्ट बेस्ड है थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है ये चीज। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट रहे हो तभी करिएगा, ओके। डी ऑलमोस्ट सभी का आंसर है, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रणदीप गुलेरिया इनको मिला है ये जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जो रिसेंटली दिया गया है। एंड आई थिंक सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है सुशांत ने, बहुत बढ़िया सुशांत। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो पहले जो चांसलर थे उन्होंने स्टेप डाउन किया है और उनके प्लेस में ऑस्ट्रिया का न्यू चांसलर अभी आया है। उनका नाम कार्ल कैरोलिन है, सेबास्टियन कुर्ज है या फिर अलेक्जेंडर स्केलनबर्ग है। इनमें से एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, वो भी मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो आफ्टर यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। 19 के आंसर्स आने लगे हैं। 19 का सबसे पहले पृथ्वीराज ने जवाब दिया है, डी कह रहे हैं। अनु का ए है, सुशांत डी कह रहे हैं, अक्षय का डी है, मानसी डी है, विवेक ए कह रहे हैं, आरती का आंसर डी है, भावना डी, एंड नरेंद्र सी कह रहे हैं, निशांत शर्मा का आंसर डी। हेलो निशांत, कैसे हो? अभिषेक डी है, ओके। सो एक्चुअली यहाँ पर जो सही जवाब है कार्ल है, कार्ल नेहमर, और इनमें से एक ऑप्शन जो आप एलिमिनेट कर सकते हो आराम से वो आपको बताना है यहाँ पर, ओके। कई लोगों ने डी जवाब दिया है, उसका भी आपको आप मुझे रीजन बता दो, राइट। तो अभी तो कार्ल इज द करेक्ट आंसर, ओके, प्लीज चेक दिस, राइट। ए कार्ल यहाँ पर सही होना चाहिए, ओके। तो हम एक ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि सेबास्टियन कुर्ज जो थे प्रीवियस हमारे चांसलर थे ऑस्ट्रिया के, एंड सो हम सी एलिमिनेट कर सकते हैं। द सही आंसर यहाँ पर होगा ए, ओके। प्लीज डू लेट मी नो डी क्यों जवाब दे रहे हो, पेड़ चाले, ओके फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक है। विनय कह रहे भेट चल, ओके राइट, वही पढ़ा था, ओके फाइन। पृथ्वीराज वी विल चेक दैट, ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लो इंटरनेट पे, अभी फटाफट से आप चेक कर लो, एंड जो भी सही है प्लीज लेट मी नो, ओके। क्योंकि उसका सही जवाब कार्ल है अकॉर्डिंग टू मी, राइट। जो भी सही है वो हम करेक्ट करेंगे इमीडिएटली। सो 20th यहाँ पर चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन वो पूछा गया, शशिधर केकी, एके गोयल या फिर शिक्षा शिखा शर्मा, राइट। 20th के आंसर्स आने लगे हैं। विनय का आंसर सी है, सुशांत सी कह रहे हैं, अनु का सी है, अभिषेक एके गोयल, भावना, पृथ्वीराज, विवेक, आरती, मानसी, गगन, हेलो गगन कैसे हो, एसआर का आंसर सी है, भरत का आंसर सी है, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एके गोयल इनको बनाया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का नया चेयरमैन, एंड आई थिंक सबसे पहले इसका जवाब सही दिया है हमारे विनय ने, बहुत बढ़िया विनय। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉट बाय ट्रैवलिंग इनटू स्पेस एट द एज ऑफ 90, राइट। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉट, इस तरह के जो फर्स्ट टाइम कुछ चीजें होती है, इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उनके बारे में पूछा जाता है, यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट, ओके। 21 के आंसर्स आने लगे, पृथ्वीराज डी, विनय डी, निर्मा सी कह रहे हैं, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर 20 निर्मा, अनु का डी है, आरती डी कह रहे हैं, भावना डी, यस, सुशांत का डी है, अभिषेक, विलियम कह रहे हैं, मानसी, भरत, सही जवाब है, विलियम शैटनर इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉट ये बने हैं, 90 इयर्स के उम्र में ये एस्ट्रोनॉट बने हैं। तो फिटनेस आप देख सकते हैं कितनी हाई लेवल की हो सकती है, हम सोचते हैं कि हम फिट नहीं रह पाते हैं ओल्ड एज में, बट दैट इज नॉट ट्रू, इट डिपेंड्स अपॉन अस, ठीक है। ये चीज हमें सीखनी चाहिए इनसे। 21 का आई थिंक सबसे पहले सही जवाब पृथ्वी ने दिया है, बहुत बढ़िया पृथ्वीराज। यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, यहाँ ये पूछा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेम चेंज के बारे में, कई सारे नेम चेंजेस हमने देखे हैं यहाँ पर, ये पूछा जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रीनेम्ड डैश एन आइलैंड पीक इन अंडमान एंड निकोबार एज माउंट मणिपुर, किसे ये जो है नेम चेंज किया गया, इज इट माउंट हैरियट, देवबन, दियावलो या फिर चोलुंगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है आपको यहाँ पर जवाब देना है। ओल्डेस्ट वुमेन इज वाली फम, तो सुशांत कह रहे हैं कि ओल्डेस्ट वुमेन इज वाली फम, बहुत बढ़िया सुशांत, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच सुशांत। यहाँ 22 के आंसर आने लगे हैं, ए कह रहे हैं विनय, अक्षय का ए है, पृथ्वीराज ए,
यस अभिषेक, माउंट हैरियट कह रहे हैं, भावना, प्रियंका, प्रियंका कैसे हो, सूर्यांश, सुशांत, एस आर, ऑलमोस्ट सभी का आई थिंक यहाँ पर आंसर ए है. ओके, माउंट हैरियट जो है यहाँ पर सही जवाब है. माउंट हैरियट, इसे माउंट मणिपुर का नाम दिया गया. इस तरह की चीजें हमें याद रखनी होंगी, एग्जाम में पूछा जा सकता है. हैरियट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज आल्सो करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को अभी हमें जवाब देना है. एंड आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन का सबसे पहले अगेन विनय ने जवाब दिया है. तुम लोग का नाम मुझे याद हो गया अच्छे से. प्राइम मिनिस्टर हैज पेड हिज ट्रिब्यूट्स टू आर के लक्ष्मण ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी. ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स. तो आर के लक्ष्मण ये कौन से फील्ड को बिलोंग करते हैं. बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, कार्टूनिस्ट है या फिर जर्नलिस्ट है. फटाफट से इसका भी जवाब दे दीजिए दोस्तों. 23 का के आंसर यहाँ पर एक्सपेक्टेड है. ओके नाइस प्रियंका, फटाफट से आप ज्वाइन करिए एंड यहां से अपना स्कोर जरूर कैलकुलेट करिएगा प्रियंका, कि आगे आप किस तरह से जवाब दे रहे हो. अनु का आंसर सी है यहाँ पर. फटाफट से अनु ने जवाब दिया है. एंड सूर्यांश का सी है, विवेक सी कह रहे हैं, अभिषेक कार्टूनिस्ट कह रहे हैं, सुशांत, अक्षय, भावना, पृथ्वीराज, आरती, भरत, विनय, एस आर और मानसी, सभी सही हो. कार्टूनिस्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई थिंक सबसे पहले इसका जवाब दिया है अनु ने. कार्टूनिस्ट और आई थिंक पेपर कार्टून में आपका बहुत इंटरेस्ट है. फटाफट से आपने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया. अनु, विच अमंग द फॉलोइंग हैज वन द अर्थ गार्डियन अवार्ड ऑफ 2021. सरिस्का टाइगर रिजर्व, परमिगुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, कोरिंगा टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट नेशनल पार्क. ओके, फटाफट से इसका जवाब देने की कोशिश करिए. क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है. अर्थ गार्डियन अवार्ड 2021 ये इनमें से किसको मिला हुआ है. 24th के आंसर्स अवेटेड है. 24th का सबसे पहले सूर्यांश ने जवाब दिया है बी, विवेक का भी है, भावना बी कह रहे हैं, विनय का आंसर बी है, सुशांत, अनु, मानसी, अभिषेक, एस आर सभी का आंसर बी है. ओके, परम्बिकुलम. ओके, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन सही है. इसका स्टेट भी अगर आप लोग मुझे बता पाओ तो दैट वुड बी रियली ग्रेट. सरिस्का का स्टेट आपको बताए कोरिंगा, दिस इज इन आंध्र प्रदेश, ये उत्तराखंड में है हमारे. परम्बिकुलम का स्टेट अगर आप लोग मुझे बता पाओ दैट वुड बी ग्रेट. आई थिंक सरिस्का ये हमारे राजस्थान में पड़ता है. ओके, प्लीज डू लेट मी नो. यस, ओके, इट्स इन केरला. भावना ने बता दिया, बहुत बढ़िया भावना. भावना सही कह रहे हो, परम्बिकुलम इज इन केरला, राइट. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 25 एंड आई थिंक 24th का सबसे पहले सही जवाब सूर्यांश ने दिया है. इसी तरीके से जवाब देते रहो दोस्तों. रिसेंटली ऑन द ओकेशन ऑफ 78th एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट बुक टाइटल्ड बोस द मिलिट्री डायमेंशन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ INA नेताजी ये लॉन्च की गई थी. ऑथर कौन है इस बुक का ये पूछा जा रहा है. आई थिंक ये भी हमने कई बार, यस केरला इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, कॉर्बेट हैज अ न्यू नेम, राम गंगा. ओके राइट, जिम कॉर्बेट, इट इज द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व एंड कंजर्वेशन एरिया, राइट. सही है, ऑथर कौन है इस बुक के, बोस द मिलिट्री डायमेंशन, इस बुक के ऑथर कौन है ये पूछा जा रहा है. इज इट अमृता प्रीतम, शशि थरूर, जी डी बख्शी या फिर किरण देसाई. फटाफट से 25th के आंसर्स देने हैं आपको. विनय का सी है, सूर्यांश कह रहे हैं, अभिषेक ने स्किप किया है, भरत का सी है, साहिल, हेलो साहिल कैसे हो, साहिल का आंसर ए है. ओके, और भी कोई इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहता है यहाँ पर, ये काफी जरूरी हो जाएगा हमारे लिए, एग्जाम में आने के भी चांसेस हैं इसके. सुशांत एंड अनु ने स्किप किया है, भावना कह रहे सी, सो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जी डी बख्शी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो बोस द मिलिट्री डायमेंशन मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ आयरन एंड नेताजी, तो हमारे बोस जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है. किस वजह से न्यूज में है ये आप मुझे बताओगे, और इस वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसके चांसेस है. जी डी बख्शी इज द करेक्ट आंसर. यस भावना, जी डी बख्शी इज करेक्ट, राइट. तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26. तो 25th का आई थिंक सबसे पहले विनय ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया विनय. यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा उस समय जो थे वाज इनवाइटेड एज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर टू ओवरसी द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. ठीक है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में इन्हें इन्वाइट किया गया था. कौन से कंट्री के हमारे ये जो इलेक्शन है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड. यस, पराक्रम दिवस, 23rd जन, अमृत महोत्सव. ओके, 26th के आंसर्स आने लगे हैं. 26th का आई थिंक सबसे पहले
जवाब दिया है विनय ने, यस सुशांत का ए है, विनय का ए है, भावना ये कह रहे हैं, अनु मानसी सभी का ऑलमोस्ट ए है, उज्बेकिस्तान यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, ये 24 सी सी राइट, तो यहाँ सही जवाब है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान जो है इसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर के रूप में इन इलेक्शंस को ओवरसी करने के लिए हमारे सीसी को बुलाया गया था, राइट तो यहाँ से ही जवाब होगा ए उज्बेकिस्तान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 26 का, आई थिंक अगेन सबसे पहले विनय ने जवाब दिया है, विनय आप आज तो पूरा बहुत फटाफट जवाब दे रहे हो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन नेम्ड एज द पार्टनर स्टेट एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है पार्टनर स्टेट कौन सा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, यस न्यू राजीव कुमार है 25th, yes. Yes, उस समय सुशील चंद्र थे, अभी राजीव कुमार है, राइट थैंक यू सो मच मानसी भावना, ये चीज हमें याद रखनी है, ओके okay. यहाँ देखिए पार्टनर स्टेट पूछा जा रहा है, और ये पार्टनर स्टेट पूछा जा रहा है एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ओके 27 के आंसर्स आने लगे हैं, राइट ये भी न्यूज में तो काफी, पृथ्वीराज का भी है, भावना अनु विनय भरत अभिषेक मानसी सूर्यांश एसआर राजेंद्र सुशांत साहिल मधु, हेलो मधु कैसे हो, विवेक एंड निर्मा सभी का बी है, बट द करेक्ट आंसर इज बिहार, ओके बी इज नॉट करेक्ट, सुशांत का आई थिंक ओनली आंसर सही है यहाँ पर, 27 का सही जवाब होगा सी विच इज बिहार, ओके सो दिस इज ये चीज आप लोग सही करिएगा, ओके छत्तीसगढ़ इज नॉट करेक्ट, आई थिंक सबसे पहले और सही जवाब यहाँ पर दिया है सुशांत ने, बिहार इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट तो यहाँ पर कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, ये आपको नहीं करना है, अपने आप से जो आपको याद आ रहा है वो आपको जवाब देना है, राइट गाइस तो ऐसे जवाब दीजिए एंड सी इज करेक्ट, ओके सबसे पहले सुशांत ने दिया, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 28 पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन कॉन्फर्ड विद द 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड, इज इट अनिल कपूर रजनीकांत धर्मेंद्र या फिर लता मंगेशकर जी, ओके आपने ऐसे कर दिया क्या, बी फॉर बिहार, राइट ऐसे नहीं करना हमें, राइट 28 के आंसर्स आने लगे हैं, जो भी सेशन से जुड़ रहे हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए, बहुत ही जरूरी है ये चीज, एग्जाम में पूछी जा सकती है, 28 का आई थिंक सबसे पहले जवाब पृथ्वीराज ने दिया है, बी कह रहे हैं विनय सूर्यान शनु आरती भावना सुशांत अभिषेक तलेवा भरत विवेक निर्मा विनय अक्षय, यस एब्सोल्युटली करेक्ट तलेवा रजनीकांत यहाँ पर सही जवाब है, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इनको 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर हिज ट्रेमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड दिया गया है, राइट नमस्कार वीके कैसे हो आप, वीके ठाकुर जी कैसे हो आप, या आई थिंक सबसे पहले पृथ्वीराज ने सही जवाब दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर हु हैज इनॉग्रेटेड द गरुड़ चट्टी ब्रिज उत्तराखंड में, दिस ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, थोड़ा सा हमने चेंज किया है ब्रिज के बारे में जो है हम पूछते थे, पर यहाँ पर कौन से रिवर पर ये ब्रिज आ रही है वो पूछा गया है, क्वेश्चन का स्कोप है क्योंकि ब्रिज के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये चीज आपको यहाँ पर जवाब देनी है, बहुत बढ़िया वीके ठाकुर फटाफट से आप भी पार्टिसिपेट करिए सेशन में, एंड लेट मी नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 29। स्नेह लता, हेलो स्नेह लता कैसे हो आप, इनका आंसर बी है आई थिंक, आप 29 का जवाब दे रहे हो स्नेह लता, विनय ने स्किप किया है, अभिषेक स्किप कर रहे हैं, मानसी का डी है, भावना डी कह रहे हैं, राजेंद्र बी कह रहे हैं, सचिन कैसे हो सचिन, सचिन का आंसर डी है, भावना मंदाकिनी भरत डी आरती डी विनय सुशांत पृथ्वीराज वीके ठाकुर मानसी साहिल विवेक सभी का आंसर सही है, यहाँ पर मंदाकिनी नदी पर ये जो ब्रिज है वो लाई जा रही है गरुड़ चट्टी ब्रिज, इस तरह के चीजों पर हमें खास ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर अगर जा रहे हैं, राइट ऑब्वियसली बिकॉज बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन अगर हम कह सकते हैं इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उनके विजिट से रिलेटेड हमें जो जानकारी है वो लेते रहनी चाहिए, चारोवारी ग्लेशियर में ये ओरिजिनेट हो रहा है, भावना कह रहे हैं बहुत बढ़िया भावना, हेलो पूजा कैसे हो आप, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड आई थिंक 29 का
सबसे पहले सही जवाब यहाँ पर दिया है मानसी ने, बहुत बढ़िया मानसी। क्वेश्चन 30 आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी। जब भी कोई इंडियन या इंडियन ओरिजिन वाले व्यक्ति को किसी और कंट्री में किसी पोस्ट पर लाया जाता है, इस तरह के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एक ना एक डेफिनेटली आता है। ये इस तरह के चीजों पर हमें ट्रैक जरूर रखना होगा। ओके, बहुत बढ़िया भावना। मंदाकिनी रिवर इट ओरिजिनेट फ्रॉम चारोवरी ग्लेशियर, ये कह रहे हैं भावना, बहुत बढ़िया। ओके, ये देखिए USTDA, इसके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है रिसेंटली इनमें से एक को चुना गया है। अगेन यहाँ पर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आराम से, विनय तुमलपल्ली, गीता गोपीनाथ, एस भट्टाचार्य, रमन सिंह। फटाफट से आप मुझे ये भी बता दो कि कौन सा ऑप्शन आपने यहाँ पर इजिली एलिमिनेट किया है। 30th के आंसर आने लगे हैं, पृथ्वीराज सी कह रहे हैं, मानसी का ए है, अभिषेक सी कह रहे हैं, राजेंद्र सी, साहिल सी, भावना ए, एस आर ए, भरत का ए है, वीके ठाकुर ए कह रहे हैं, सुशांत ने स्किप किया है, आरती ए, विनय ए, ओके, मोस्टली सभी का ए है, एंड अनु, विनय, एडी एजुकेशन हब, हाय कैसे हो आप, इनका आंसर ए है। राइट right. तो विनय तुमलपल्ली इनको जो है पॉइंट किया गया है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यहाँ पर यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी का, और यहाँ हमने एलिमिनेट किया है गीता गोपीनाथ जी को। मानसी सही कह रहे हो, भावना, भरत सही। ओके, तो सही जवाब है विनय तुमलपल्ली, एंड आई थिंक सबसे पहले यहाँ सही जवाब दिया है मानसी ने। राइट मानसी, इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ डील विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू प्रोक्योर व्हाट MK-54 टॉर्पेडो एंड एक्सपेंडेबल्स फॉर इंडियन नेवी, कौन से कंट्री के साथ, फ्रांस, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स या ब्रिटेन। ठीक है, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। यस, 31 के आंसर आने लगे, सूर्यांश सी कह रहे हैं, सुशांत का सी है, विनय रिट्रैक्ट कर रहे हैं, विवेक का सी है, भरत सी कह रहे हैं, भावना, आरती, अनु, सचिन, मानसी, अक्षय, अभिषेक, एस आर, पृथ्वीराज, सभी का आंसर सी है एंड सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स से जो है ये लेकर आया जा रहा है जो हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट है। यूएसए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सही पूजा, सही विनय, सही राजेंद्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 31 का सबसे पहले सही जवाब आई थिंक सूर्यांश ने दिया है, बहुत अच्छे सूर्यांश। यहाँ देख के पूछा जा रहा है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू लीड 300 T20, जो भी इनके फैन है सब दे दीजिए इन द कमेंट सेक्शन में, अपनी एनर्जी आपकी दिखानी है यहाँ पर मुझे। यहाँ पर ऑप्शंस है विराट कोहली, केन विलियमसन और एमएस धोनी, डेविड वार्नर, क्या सही है, फटाफट से इसका जवाब यहाँ पर आपको देना है। यस, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-602। राइट, डिटेल्स बता रहे भरत। ओके, 32 के आंसर आने लगे यहाँ पर, सुशांत का सी है, सूर्यांश ए कह रहे हैं, अनु सी कह रहे हैं, और नाइस 32, ओके, पृथ्वीराज सी कह रहे हैं, विनय का सी है, विवेक धोनी कह रहे हैं, मानसी सी, भावना सी, राजेंद्र 7, ओके, भरत का सी है। यस यस, MSD जो भी फैंस है बनता है, ऑलमोस्ट हम सभी फैंस है। 300 T20s को इन्होंने लीड किया है और MS धोनी यहाँ पर सही जवाब है। जो भी फैंस है सभी ने यहाँ पर थम्स अप दिया है, बहुत बढ़िया। इस एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, रिसेंटली अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एनवॉय ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। राइट, किसी और कंट्री से रिलेशन जब भी होता है तो वो चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है। बहुत बढ़िया सुशांत, भरत, एसआर, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रतिभा पार्कर, मनप्रीत वोहरा, वेणु श्रीनिवासन, दिनेश भाटिया। ओके, अगेन ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें इन चीजों पर ट्रैक रखते रहना चाहिए। राइट, वीके ठाकुर, कौन से क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हो, बी, इज इट 33? तो विनय ने 33 स्किप किया है, देखते हैं बाकी लोगों का क्या जवाब है यहाँ पर। निर्मा ने भी स्किप किया है, सुशांत सी कह रहे हैं, एसआर ने स्किप किया है, देखते बाकी लोग क्या जवाब दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गुडविल एनवॉय ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट हमें ट्रैक रखते रहना है और इसी वजह से आपके सामने ये लाया जा रहा है।
हेलो जॉन स्नो, कैसे हो? जॉन स्नो भी आए हैं हमारे सेशन में। बहुत बढ़िया, 33 के आंसर्स आने लगे हैं। वीके ठाकुर बी कह रहे हैं, आई थिंक मानसी का सी है, एडी एजुकेशन का सी है, विनय सी कह रहे हैं, अभिषेक स्किप कर रहे हैं, भावना सी, अनु ने स्किप किया, जॉन स्नो का ए है, विवेक सी, यस, पृथ्वीराज स्किप कर रहे हैं, भावना, वेनु श्रीनिवासन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, गुडविल एनवॉय इन्हें चुना गया है। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, या तो हमें आता है या तो नहीं आता है, और सही जवाब यहाँ पर मानसी ने दिया है सबसे पहले। बहुत बढ़िया, एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड का सही मिश्रण जो है लेकर आ रहे हो मानसी। बहुत बढ़िया। CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 ये कॉन्फर किया गया है अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, महेश शर्मा, सिराज खान, आचू चंद्रन या यतेंद्र सिंह। ठीक है, अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फटाफट से इसका जवाब देने की कोशिश करिए। 33 ने रेखा की आंसर सी था, राइट? ओके, विनय का आंसर आ गया है एकदम फटाक से, इन्होंने आंसर दिया है सी कह रहे हैं। देखते हो और भी कोई इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। यहाँ पर पृथ्वीराज डी कह रहे हैं। आगे यहाँ देखिए, CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 ये इनमें से किनको दिया गया है वो पूछा जा रहा है। पृथ्वीराज का डी है, भरत डी कह रहे हैं, मानसी डी कह रहे हैं, साहिल सी कह रहे हैं। CND में फाइट चली हुई है, देखते क्या सही जवाब यहाँ पर हो रहा है। विनय गलत है। ओके, एक्चुअली सही है विनय, आचू चंद्रन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आचू चंद्रन यहाँ पर सही है जवाब। तो इफ एट ऑल देयर इज एनी इश्यू फटाफट से मुझे भी बता दीजिएगा। आचू चंद्रन से ये CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 की हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्फर किया गया है ऑन आचू चंद्रन। ओके, काफी लोगों ने डी जवाब दिया है, तो प्लीज लेट मी नो कि कोई यहाँ पर इश्यू तो नहीं है, राइट गाइस? तो डी नहीं, आचू चंद्रन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। Who among the following has recently been appointed as the new defense minister of Canada? Okay, right, हंसने वाली बात। Okay, 34 का actually answer is C, Vinay, गलत नहीं है, right? Who among the following has been appointed new defense minister of Canada? बहुत important appointment है ये, और इस वजह से हमें पता होना चाहिए। Anita Anand, Harjeet Sajjan या Prashant Kumar, Saranjit Singh, okay? फटाफट इसका जवाब दीजिए, 35 का आंसर आने लगे हैं। पृथ्वीराज ए कह रहे हैं, अनु 34 का ए, ओके, अभिषेक 35 का ए कह रहे हैं, सूर्यांश ए कह रहे हैं। सुना सुना सा लगा मानसी, हमें नहीं करना है, प्लीज ये बिल्कुल मत करिएगा मानसी, नकल करनी नहीं है। यस वीके ठाकुर, बहुत सारे लेसन हम यहाँ पर सीख रहे हैं, तो हमें नकल नहीं करनी है, और सुना सुना सा नाम पर हमें इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में तो प्लीज गाइस ये मत करिएगा, राइट? अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, आपको लग रहा है कि कट ऑफ क्रॉस नहीं होगी, ऐसे में ही बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है। सुना सुना सा नाम ये हमें नहीं करना है, मानते आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है ये, बट एनी वे 35 के आंसर्स यहाँ पर आने लगे। सबसे पहले आई थिंक पृथ्वीराज ने जवाब दिया है ए कह रहे हैं, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सभी का आंसर ए है, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अनीता आनंद यहाँ पर सही जवाब है, एंड इसका सही जवाब सबसे पहले पृथ्वीराज ने दिया है। बहुत बढ़िया पृथ्वी। एंड क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। देखिए उज्बेकिस्तान बहुत ज्यादा न्यूज में था इस साल, इस वजह से हम एक और स्पेशल क्वेश्चन इसका जो है आगे लेकर आए हैं, वो भी आपको करना है। बहुत सारी चीजों की वजह से उज्बेकिस्तान न्यूज में था, ये चीज हमें करनी है। आदि प्रभाकर, डिफेंस हेड ऑफ US व्हाइट हाउस, भरत कह रहे हैं, थैंक यू सो मच भरत। भरत ने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ये नाम भी आपको याद रखना चाहिए, राइट? 35 का आई थिंक पृथ्वी ने सबसे पहले सही जवाब दिया। 36 के आंसर आने लगे हैं। पृथ्वीराज सी कह रहे हैं, सूर्यांश सी, अनु सी, अभिषेक, सुशांत, विवेक, भावना, भरत, आरती, मानसी, राजेंद्र, सभी का आंसर सी है। नायब तहसीलदार का, ओके देखते हैं, राइट? तो यहाँ पर एडी एजुकेशन का सी है, निर्मा सी कह रहे हैं, मानसी रिट्रैक्ट कर रहे हैं, विनय का आंसर सी है, तो यहाँ पर सही जवाब सी है। ओके, शवकत ये जो है इन्हें रिएलेक्ट किया गया द प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आई थिंक सबसे पहले सी इस क्वेश्चन का सही जवाब 36 का दिया है अगेन पृथ्वी ने। गुड पृथ्वी,
बहुत बढ़िया, पृथ्वी ने इसका सबसे पहले सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। ये चीज स्टैटिक है, बट करंट इवेंट्स में ये जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है वो हमारे न्यूज में था, इस वजह से हमें पता होना चाहिए इनमें से कौन कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ गल्फ ऑफ ओमान को। ओके, मोस्टली न्यूज में रहता है तो हमें ये चीज पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस ये प्लेस है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, बाबल मंदब, स्ट्रेट ऑफ मलाका या सुशुमी स्ट्रेट। 37 के सही आंसर ही एक्सपेक्टेड है, कोई भी गलत मत देना, ऑब्वियसली डांट पड़ेगी अगर गलत दोगे। अभिषेक का आंसर ये है, सूर्यांश शेखर है, पृथ्वीराज, विनय, अनु, आरती, भरत, भावना, सुशांत, राजेंद्र, सभी का आंसर ए है एक्सेप्ट विवेक जिन्होंने सी दिया है। इज एब्सोल्युटली करेक्ट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ आप देख रहे हैं ये है बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, बहुत ही जरूरी ये जो रीजन है ऑयल के जो एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड, राइट, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, राइट। यस विवेक, ए इज करेक्ट, एग्जाम में आप इस तरीके से चेंज मत करना, एक बार सोच लेना सही से और इसका जवाब देना। तो कुछ क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के भी इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये प्लेसेस एग्जाम में कई बार आए हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू समुद्रायन मिशन। ओके, तो विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट पूछा गया है, आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, लेट्स सी आप उसको जो है इस गड़बड़ी का पता लगा सकते हो या नहीं। ये मिशन है समुद्रायन मिशन, राइट, समुद्रायन मिशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया डीप ओशन मिशन, इट इज इंडिया फर्स्ट मैंड ओशन मिशन, इट इज केपेबल टू एक्सप्लोर ओशन प्लेन्स अप टू 5500 मीटर्स डेप्थ, इट एम्स टू एक्सप्लोर द सेस्मिक सिग्नल्स ऑफ द ओशन फ्लोर। ओके, 38 के आंसर्स यहां पर आने लगे हैं, भावना सी कह रहे हैं, विनय सी कह रहे हैं, अक्षय सी, सुशांत सी, अभिषेक का सी है, सूर्यांश सी कह रहे हैं, राजेंद्र सी कह रहे हैं, आरती सी कह रहे हैं। ओके, यस, वन ऑफ द स्टेटमेंट यहां पर जो है सही नहीं है। एंड 6000 मीटर्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यहां पर हमें सोचना होगा कि अगर वो 6000 मीटर्स तक जा रहा है तो दिस शुड ऑल्सो बी करेक्ट ना, जहां इट इज केपेबल टू एक्सप्लोर ओशन प्लेन्स अप टू 5500 मीटर्स डेप्थ। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इस डेप्थ को भी वो जो है ऑब्वियसली हमारा एम यही था, बट ये यहाँ पर देखा जा रहा है 5500 मीटर्स भी सही होना चाहिए अगर 6000 मीटर्स जो है वो सही होगा। ओके, तो एनीवे ये बी तो सही नहीं है, 5500 मीटर्स डेप्थ यहाँ पर हमें गलत लग रहा है, बट एक्चुअली 6000 मीटर्स तक जो मत्स्य 6000 है उसे ले जाया जा रहा है, अगर 6000 मीटर सही है तो ये भी सही होगा। रियली सॉरी गाइस, ये जो है सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। ओके, तो ये चीज हमें देखनी होगी, कुछ क्वेश्चंस क्रैप भी होते हैं एग्जाम में तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कैन बी कॉज्ड बाय न्यूमोकोकस। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन का पॉइंट जो है आपको जाता है, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर वो 6500 मीटर होता तो वो गलत होता। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। यस, ओके, थोड़ा सा उसमें गलती हो गई थी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, न्यूमोकोकस ये काफी ज्यादा न्यूज में था, इसके वजह से कौन से डिसीजेस हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस, मेनिनजाइटिस, मिडिल ईयर इन्फेक्शन या सिनुसिटिस। ये जो है डिफिकल्ट है, बट चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन आए, डिसीजेस से रिलेटेड स्पेसिफिकली करंट कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। 39 के आंसर आने लगे हैं, 39 बी कह रहे हैं विवेक, निर्मा या निर्मा, अभिषेक स्किप कर रहे हैं, विनय का बी है, पृथ्वीराज बी कह रहे हैं, राजेंद्र बी कह रहे हैं, देखते हैं और भी कोई इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, भरत का बी है, अनु का बी है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू न्यूमोकोकस, राइट, तो इस वजह से सारे ही यहाँ पर सही होंगे। ओके, डी इज करेक्ट, मानसी डी सही कह रहे हो, तुक्का है, नहीं तुक्का नहीं लगाना है। ओके, मानसी डी सही कह रहा है, आई थिंक सबसे पहले मानसी ने ही सही जवाब दिया है, डी इज करेक्ट।
क्योंकि सुशांत ने भी तुक्का लगाया है. एनीवे तो डी इज करेक्ट यहाँ पर. तुक्का मत लगाइएगा अनटिल एंड अनलेस, अगेन मैंने बताया आपको, आपके लास्ट के क्वेश्चन लास्ट में आपको लग रहा है कि आप कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाओगे तब ही वो भी इंटेलिजेंटली इस तरह से तुक्का मत लगाएगा. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग. धौली गंगा, मंदाकिनी, कोसी, भगीरथी, विच ऑफ द रिवर्स अबव गिवन फ्लो इन उत्तराखंड. हमारा बगल का जो है स्टेट है, पता होना चाहिए यहाँ पर इसके बारे में. भावना ने बी और डी कह दिया है तो ये हमें नहीं करना है, कोई एक हमें जो है चुनना होगा भावना, राइट. तो आई थिंक पिछले क्वेश्चन का सबसे पहले सही जवाब मानसी ने दिया है. मानसी कहीं आपका भी तुक्का तो नहीं था, बता दो मुझे. तुक्का सही लगा, कई बार तुक्के सही लगते हैं, बट 40 यहाँ पर आपको जवाब देना है. धौली गंगा, मंदाकिनी, कोसी, भगीरथी, इनमें से कौन सा उत्तराखंड में आप देख रहे हो. 40 के आंसर आने लगे हैं. विनय ए कह रहे हैं, पृथ्वीराज ए कह रहे हैं, अभिषेक ए कह रहे हैं, सुशांत का ए है, अनु ए कह रहे हैं, भावना ए, यस मानसी ए, राइट. मोस्टली सभी का आंसर ए है. देखते हैं क्या सही है यहाँ पर. डी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. ओके, तो देखते हैं मैप में क्या हम इन्हें देख पा रहे हैं. तो यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी जो यमुना की, उसे भी हम कोसी कह रहे हैं. और यहाँ भगीरथी पूछा गया था, मंदाकिनी पहले हमने देखा था, धौली गंगा है, राइट. तो ये सारे हम देख सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे. ओके, मंदाकिनी, भगीरथी, धौली गंगा, ये सभी हम यहाँ पर देख रहे हैं. कोसी भी है. ओके, यस, ये चीज हमें मानसी का भी तुक्का है, राइट. तो यहाँ पर देखिए, ये मैप से हमें पता चल रहा है, वन ऑफ द रिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड कोसी, भगीरथी, मंदाकिनी, धौली गंगा, ये सभी यहाँ पर सही है. डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. या यस गाइस, तो 40 का वो आंसर है कोसी. एज पर द मैप हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना हम इसे कह सकते हैं. यस, इवन इन बिहार यहाँ पर भी है. तो ये चीज भी हम अगेन एक बार जो है चेक कर लेंगे, राइट. तो एज पर द मैप हम देख सकते हैं कि कोसी भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, लोकल कोसी. 41. उज्बेकिस्तान शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. यहाँ पूछा गया है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 41 को आपको यहाँ पर जवाब देना है. एंड 40 का ऑलमोस्ट सभी ने ए ही जवाब दिया है. हाँ, कभी कभी सही हो जाते हैं विके ठाकुर, तो वो हमें लास्ट मिनट में, अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो हमें करना होगा, हमेशा नहीं. उज्बेकिस्तान बहुत ज्यादा न्यूज में था और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हमारे जो ज्योग्राफी में प्लेसेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लैंड बॉर्डर इनमें से कौन से कंट्री के साथ उज्बेकिस्तान पूछा जा रहा है कि शेयर करता है. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसमें से क्या सही होगा. 41 के आंसर्स आने लगे हैं ऑलमोस्ट सभी के. आई थिंक आंसर डी है. अभिषेक डी कह रहे हैं. विवेक, अनु, विनय, सुशांत, पृथ्वीराज, भरत, अक्षय, मानसी, राजेंद्र, साहिल, पूजा, विके ठाकुर, विनय, निर्मा, पावना, सभी का यहाँ पर आंसर सही है. 1, 2 and 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एज वेल एज किर्गिस्तान, तजिकिस्तान भी है यहाँ, थोड़ा सा अफगानिस्तान के साथ भी हो रहा है, तुर्कमेनिस्तान भी यहाँ पर सही है. ठीक है, तो ये सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इनके साथ हमारे उज्बेकिस्तान का लैंड बॉर्डर टच होता है. सभी का आंसर यहाँ पर सही है. सबसे पहले सही जवाब यहाँ पर दिया है हमारे अभिषेक ने. बहुत बढ़िया अभिषेक. क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, फटाफट से इसका जवाब देने की कोशिश करिए. थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट न्यूज में ये जो इनिशिएटिव है वो रहा था. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड. पूछा जा रहा है, इट इज अ गवर्नमेंट बैक्ड फंड दैट वाज सेट अप एज अ कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रजिस्टर्ड विद सेबी. सेबी के जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उनमें से ये फंड कैटेगरी 2 में आता है. 3 कैटेगरीज के फंड्स होते हैं, ये कैटेगरी 2 में. इन्वेस्टमेंट मैनेजर इसका है SBI कैप वेंचर्स. स्पॉन्सर ऑफ द फंड इज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, फटाफट से इसका जवाब देने की कोशिश करिए. 42 विनय स्किप कर रहे हैं एंड 42 साहिल स्किप कर रहे हैं, पृथ्वीराज कह रहे हैं, ताशकंद इसका कैपिटल. ओके ओके, 42 मोस्टली सभी ने स्किप किया है. अभिषेक कह रहे हैं बट डी हो सकता है. ओके, राजेंद्र का आंसर सी है.
सभी तुक्का मारो, देखते किसका सही होता है। ओके विनय, वीके ठाकुर बी कह रहे हैं, आई थिंक एक का तुक्का यहाँ पर सही गया है। सुशांत का डी है, विवेक डी कह रहे हैं। ओके, तो एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस के साथ सुशांत ने आई थिंक सबसे पहले डी कहा है, विनय का तुक्का सी है, तो सुशांत का सही है। 1, 2 and 3 is absolutely correct. All of these statements are correct. ये जो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है, कैटेगरी 2 alternate इन्वेस्टमेंट फंड है, सेबी का 3 funds होते हैं, कैटेगरी 1, 2 and 3, और यहाँ कैटेगरी 2 is correct. इन्वेस्टमेंट मैनेजर इसका SBI कैप वेंचर है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो ये तुक्के कहीं कहीं काम आते हैं, जैसे कि कोई हमारा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस पूछा गया है, तो वहां पर मोस्टली आंसर डी होता है, पर ये हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली गेस करके इसे करना है। हाँ, आंसर आने के बाद पृथ्वीराज कह रहे हैं कि डी मेरा तुक्का है। ओके, डी इज करेक्ट, भावना डी कह रहे हैं, एंड आई थिंक पिछले क्वेश्चन का श्रेय जाता है सुशांत को, काफी कॉन्फिडेंटली इन्होंने सही जवाब दिया। चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट ये रिलीज की गई इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड बैंक। ओके, या भावना आपने भी कॉन्फिडेंस के साथ डी कहा, बहुत बढ़िया। विवेक का भी कॉन्फिडेंस के साथ डी है, देखते हैं इसका जवाब कौन सही देता है। चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा, कौन से हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है। विनय बी कह रहे हैं, सुशांत का डी है, भरत बी कह रहे हैं, बी एंड डी में यहाँ पर फाइट चल रही है, विवेक का डी है, अनु डी कह रहे हैं, मानसी बी, भावना डी, यस भावना डी कह रहे हैं, विनय का डी है, अभिषेक का वर्ल्ड बैंक, राजेंद्र यूएनडीपी है। ओके, देखते हैं क्या से ये, साहिल का आंसर डी है, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये जो रिपोर्ट है, चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट, ये लाई गई थी, एंड आई थिंक सबसे पहले सही जवाब अगेन सुशांत ने ही दिया है। यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, युवा स्किल्स, ये इनिशिएटिव है इंडिया में किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसके द्वारा है, UNDF यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशन पॉपुलर फंड। ओके, या तो पिछले का आंसर डी था, एंड आई थिंक सुशांत ने यहां पर सही जवाब दिया। सर, हम गलत देके भी सीख रहे हैं, गलत देके भी, गलती करके ही हम सीखते हैं, फेल्यूर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। विनय बहुत बढ़िया, इसी वजह से ऐसे जो सेशंस हैं, और जब भी आप कोई मॉक अटेम्प्ट करते हो, इसीलिए हम करते हैं कि हम अगर गलती कर रहे हैं तो वो चीज हमें ज्यादा याद रहती है, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन जो हमने सही किया है। राइट, सही कह रहा हूँ ना मैं, ये बताइएगा मुझे, अगर आप गलती करते हो तब ज्यादा याद रहता है आपको, तो गलती करो एग्जाम में मत करो, यहाँ करो। 44 यहाँ पर है, इसका जवाब आ रहे हैं पृथ्वीराज ए कह रहे हैं, अनुका 44 आई थिंक आप जवाब दे रहे हो, बी कह रहे हैं, सुशांत का ए है, भावना ए, राजेंद्र बी, अगेन ए एंड बी में यहाँ पर फाइट है, भावना कह रहे हैं यूनिसेफ, भरत, अभिषेक ने बी कहा है, भरत ने कहा है, विवेक का ए है। ओके, मोस्टली सभी का आंसर ए है, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, हमें कंफ्यूज नहीं होना, उसे हम यूनिसेफ कहते हैं, और यूनिसेफ इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यस Yes, 44 का ये है, यस सही है ना, तो ये हमें करना है, और इन सेशंस में हम ये चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट, तो पृथ्वीराज का आई थिंक सबसे पहले सही जवाब है, बहुत बढ़िया पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, सॉरी ये हेल्थ है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, यहाँ पर कौन सा सही है। अगर आपको ये जो इनिशिएटिव है इसका एम थोड़ा सा याद रहेगा तो आप रिलेट कर सकते हो। राइट, 45 का आंसर आने लगे हैं, डी कह रहे हैं पृथ्वी हमारे, अभिषेक MSME कह रहे हैं, अनु डी कह रहे हैं, सुशांत का डी है, भावना, विनय का डी है, यस विवेक MSME कह रहे हैं, सभी का डी है, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये जो है इनिशिएटिव MSME से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME इज द करेक्ट आंसर। 45 का अगेन पृथ्वी ने हमारे सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, लंगथाला पास इज कनेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये किन स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है, हिमाचल और उत्तराखंड को, सिक्किम वेस्ट बंगाल को, लद्दाख हिमाचल को, या फिर अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड को। ओके,
एमएसएमई डे 27 जून। यस बहुत बढ़िया भारत, 100% श्योर है ऐसे ही हमें एग्जाम देना है। भावना राजेंद्र ने यहाँ पर बता दिया है कि हम 27 जून को एमएसएमई डे मनाते हैं। ओके बहुत अच्छे भावना राजेंद्र, थैंक्स फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर लंकागा पास के बारे में पूछा गया है, हमारे स्टेट से रिलेटेड है, पता होना चाहिए हमें। विवेक का आंसर ए है, विनय ए कह रहे हैं तो मैंने हिंट भी दे दिया बातों बातों में। मानसी ए कह रहे हैं, सूर्यांश का ए है, वीके ठाकुर ए, यस ऑलमोस्ट सभी का आंसर ए है। अभिषेक ने स्किप किया है, यस ये जो पास है ये हमारा हिमाचल और उत्तराखंड को लिंक कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इन एरियाज को वो लिंक कर रहा है, राइट। तो ये इसका सही जवाब होगा हमारा ए। एंड इसका भावना और मानसी कह रहे हैं कि नॉर्म है, राइट। तो ये चीज हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। हयात जावद इज द बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली खान, लियाकत अली खान या अब्दुल कलाम आजाद। बसपा वाली में, राइट किन्नौर, राइट राइट। 46 का सही जवाब सबसे पहले किसने दिया है, विवेक ने दिया है, बहुत बढ़िया विवेक। 47 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हयात जावद, ये भी न्यूज में था तो हमें पता होना चाहिए किनका ये बायोग्राफी है, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली खान, लियाकत अली खान या फिर अब्दुल कलाम आजाद। 47 स्किप किया जा रहा है, सुनाई नहीं है। ओके अभिषेक सुनाई नहीं है, मोस्टली सभी ने सुनाई नहीं है आई थिंक, पता नहीं है, स्किप कर रहे हो, वेरी गुड। यहाँ पे आप सीख लेना, गेस किया जा रहा है पृथ्वीराज का सी है, विनय आई थिंक आप सी कह रहे हो, राजेंद्र सी कह रहे हैं, भरत सी गेस कर रहे हैं, विनय का ए है, सुशांत ए कह रहे हैं, भावना ए कह रहे हैं। ओके यस, तो हयात जावद ये जो है सर सैयद अहमद खान इनकी बायोग्राफी है और ये अक्टूबर महीने में आई थी, तो हमें यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। ए आई थिंक सबसे पहले यहाँ पर सही जवाब दिया है विनय ने, बहुत बढ़िया विनय, विनय ने सही जवाब दिया है और सर सैयद अहमद खान इज करेक्ट, अलीगढ़ मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। यस सुशांत एंड भावना बहुत बढ़िया, सही जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर इस सेशन में मिल रही है और बहुत अच्छे इसी तरीके से हमें जवाब देना, सही उसका जवाब है सर सैयद अहमद खान, नहीं पता है सीख लिया हमने सेशन में। आगे बढ़ते हैं, 48 फेम्ड अली बॉग व्हाइट ऑनियन हैज रिसीव्ड जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट, इज इट ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या झारखंड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी श्रेय उन्हें दिया जाता है, विनय यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया विनय। और इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए थोड़ा सा, अगर आप रिलेट भी कर पाओगे तो आप बता सकते हो। सावे भगवते हिंद ऑन 1857 रिवोल्ट इन्होंने लिखा था, ठीक है, इनके वर्क्स के बारे में भी भावना यहाँ पर बता रहे हैं। 48 के आंसर्स आने लगे हैं, अभिषेक महाराष्ट्र कह रहे हैं, विवेक का सी है आंसर, पृथ्वीराज सी, अनु विनय भावना सी कह रहे हैं, सुशांत सी कह रहे हैं महाराष्ट्र आई थिंक, सुशांत राजेंद्र सी कह रहे हैं भावना का महाराष्ट्र, और सभी का आंसर सी है। वीके ठाकुर, निर्मा, भरत, मानसी, पूजा, साहिल सभी का सी है, पृथ्वीराज कह रहे हैं फाउंडर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑल्सो। बहुत अच्छा आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की जो आप पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया तरीके से आपके रिवीजन है, बहुत अच्छे। विनय सी कह रहे हैं, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अली बॉग जो है ये हम आराम से लिंक कर सकते हैं टू महाराष्ट्र, सी इज द करेक्ट आंसर, जीआई टैग महाराष्ट्र को ही मिला हुआ है। क्वेश्चन 49 देखिए, इंडियाज फर्स्ट ई फिश मार्केट, ऑनलाइन फिश मार्केट जो है फिश वाले, ये लॉन्च किया गया है ऑफिशियली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इज इट इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या असम, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। ये जो है ये फिश मार्केट फिश वाले, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया पूछा जा रहा है, छोटी सी न्यूज है बट आ सकती है, राइट। 49 के आंसर यहाँ पर आने लगे, पृथ्वीराज ए कह रहे हैं, अभिषेक असम कह रहे हैं, विवेक का डी है। पिछले क्वेश्चन में आई थिंक सबसे पहले सही जवाब अभिषेक ने दिया था, बहुत अच्छा अभिषेक। और यहाँ 49 के आंसर आने लगे, आंसर डी है, पृथ्वीराज का छोड़ के ए कह रहे हैं जो, सूर्यांश, अनु, विनय, सुशांत, भावना, भरत, मानसी, साहिल, राजेंद्र, मानसी, यस। क्वेश्चन से पहले दे रहे, ओके वो तो उस वो ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, बट यहाँ
जो सही जवाब होगा फिश वाले ई फिश मार्केट, इसका सही जवाब होगा असम. ओके राइट, डी इज करेक्ट, असम यहाँ पर सही होगा और सभी ने ऑलमोस्ट सही जवाब दिया है. एंड सबसे पहले आई थिंक इसका सही जवाब दिया है विवेक. एंड एंड करते हैं इस सेशन को विद दिस क्वेश्चन नंबर 50 आपका है. रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्क्वाश प्लेयर टू विन द मलेशियन ओपन चैंपियनशिप 2021. डिफिकल्ट ये जो क्वेश्चन है आपका, बट आपको इसे आंसर करने की कोशिश करनी है. राइट, प्लीज लेट मी नो गाइस, अभी आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इज इट विजिबल? ओके, 50th का आंसर आने लगे हैं. भरत डी कह रहे हैं, अनु का आंसर ए है, राजेंद्र बी कह रहे हैं, पृथ्वीराज डी कह रहे हैं. इसके बाद आपको अपना स्कोर भी शेयर करते हुए जाना होगा यहाँ पर. राइट गाइस, ए कह रहे, तो 50 का सही जवाब अगर हम देखें, सही आंसर होगा सौरभ घोषाल. ठीक है, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. और ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, साथ में अपना स्कोर शेयर करते हुए जाइएगा आप लोग. आई होप मैं सही से आपको विजिबल हूं और आप लोग मुझे देख पा रहे हैं. अपने HPS प्रिपरेशन को ऑन ट्रैक रखिए और हमारे इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के साथ आप अपने प्रिपरेशन को गेज कर सकते हो. 5-in-1 टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के PDF, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल रही है, हिमाचल जी के मॉड्यूल, लाइव रिविजन सेशंस, ये सभी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं. और ये सिर्फ 800 में आपको ये जो टेस्ट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है विथ ऑल ऑफ दीज फीचर्स. साथ में अगर आप अपनी प्रिपरेशन को ऑन ट्रैक रखना चाहते हैं और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमारा पावर पैक जो मॉड्यूल, इसमें आपको 5 मिल रहे हैं, कंप्लीट GS, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, CSAT, हिमाचल GK और कंप्लीट करंट अफेयर्स, जो भी एग्जाम के लिए जरूरी है सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 2,400 रुपए के लिए. तो प्लीज डू ज्वाइन दीज कोर्सेस, और ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हमारे यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह के बढ़िया सेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं. टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों भूलिएगा मत, आपका जो इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा. इसके अलावा कोई भी डाउट है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in. थैंक यू सो मच. अपना स्कोर तो शेयर करते जाइए गाइस, आई वांट टू नो कि आपको कितने मिले हैं. ओके, सो मेनी इनकरेक्ट. ओके फाइन, नेक्स्ट टाइम से प्लीज ट्राई टू काउंट. ये सेशन हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप इन सेशंस को इसमें स्कोर जो है काउंट नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको जो है इन सेशंस का फायदा नहीं मिलेगा. अच्छा वीके ठाकुर, राइट राइट, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच गाइस. और अगर आपने जो है स्कोर कैलकुलेट किया है तो प्लीज डू शेयर. इसके साथ में ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. भरत अपना स्कोर शेयर कर रहे हैं, 29 उन्हें मिला है 34 में से. एंड अगर आपको सही लगा, सेशन सही लग रहे हैं, आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देते हुए जाइएगा. इसी तरह से खाली हाथ मत जाइएगा. थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय हिमाचल.